ताज्जुब ये हो रहा है कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर इतनी महंगी घड़ियां अफोर्ड कैसे कर सकती हैं। आज ख्याति ने बहुत बदतमीजी की ना, और डैड को भी उतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। पता चला मुझे इग्ना, इग्ना आई नो तुम अपसेट, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं भी अपसेट होता। इसलिए तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम नाराज मत हो इग्ना, मैं तुमसे सॉरी तो कह सकता हूँ। इग्ना तुम ये बात तो मानोगी ना, हर फैमिली में कोई ऐसा इंसान होता है जो बाकियों से अलग होता है, पर होता तो फैमिली का हिस्सा ही है ना, हम उन्हें ऐसे बाहर तो नहीं निकाल सकते। मेघना, ख्याति और डैड के बिहाफ पे मैं तुमसे सॉरी कहता हूं। आई एम सॉरी। यहाँ बैठ। तुमने नोटिस किया है, हम जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं ना तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती। आज भी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, पर कोई बात नहीं, अपने आंसू पोंछो और अपने इस माइंड को ना रिलैक्स करो, क्योंकि कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। कल पारस इंसान की वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठने जा रही हो। तो एक्साइटेड? नर्वस? डू यू लव मी? अच्छा अब ये बताओ, पहली नौकरी, पहला दिन कैसा फील कर रही है? कुणाल, कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। कल ये मामा का सबसे बड़ा सपना पूरा करने जा रही हूं मैं। आई नो, तुम्हारे लिए, शारदा मॉम के लिए, नैना के लिए, तुम सबके लिए कितना बड़ा मोमेंट है। एक मिनट। टॉपर, तुम्हें वचन दिया था ना कि हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। जब तुम मेरी फैमिली में आकर उन्हें अपना परिवार समझोगी, वैसे ही मैं भी तुम्हारी फैमिली को अपना समझूंगा। तुम्हारी कामयाबी में प्राउड फील करूंगा और उसे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी टॉपर पर अपने आप से ज्यादा भरोसा। कल का इंतजार सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी, इसीलिए ये पहले ही प्रिंट करवा लिया। कुणाल, ये वो नहीं, तुम बस अपने आंसू पोंछो और अपनी क्यूट वाली स्माइल दे। अब ना मुझे दो फोटोज लेने हैं, एक इस कार्ड की और एक तुम्हारी ब्यूटीफुल स्माइल की। शारदा मॉम को भेजूंगा, कितनी खुश हो जाएंगी। चलो स्माइल करो प्लीज मेरे लिए। ये देखो कितनी क्यूट फोटो आई है, ऐसे ही हंसते रहा करो, क्यूट लगते हो।
करण कमरे में नहीं है, इस वक्त कहाँ चले गए? पिलो भी गायब है, ब्लैंकेट भी नहीं है, कहीं मुझे तो लगा था आज रात फिर यही, अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गए? ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अब यहाँ क्यों आ गई हो? तुमसे पूछने आए हो कि तुम अपना कमरा छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर चलो, मैं तुम्हें लेने आई। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मेरा कान पकड़ा और कमरे में ले गई। नहीं करण, तुम बच्चे नहीं हो, पर तुम्हें पता है हमारी लड़ाई हर बार दो बच्चों जैसे होती है। प्लीज, क्या एक बार के लिए हम अपने सारे डिफरेंसेस एक किनारे रखकर दो बच्चे और दो सुलझे हुए इंडिविजुअल्स की तरह बात करें? मतलब तुम मचौर और मैं? नहीं करण, हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। देखो, तुम कमरे में चलो, करण तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। ओके? नो, इट्स नॉट ओके। शब्दों में उलझा रही हो तुम असली बात को। ये सब तुम सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि लोगों को पता लग गया कि करण, मैं... मुझे लोगों से कोई परवाह नहीं। तुम क्यों नहीं समझते मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारी खुशी से, तुम्हारे कम्फर्ट से। मेरे कम्फर्ट से मेरी खुशी चाहती हो ना तुम? हाँ, तो अभी इसी वक्त इस कमरे से बाहर निकल जाओ। मेरी खुशी चाहती हो ना, तो ये करो अभी इसी वक्त। बड़ा आसान है ना तुम्हारे लिए कह देना कि निकल जाओ। तुम तो गुस्से में कह देते हो करे, कभी ये सोचते हो कि यहां से निकलकर मैं जाऊंगी कहां? क्यों नहीं समझते हो करण कि यहां से निकलकर जाने के लिए मेरे पास कोई और जगह नहीं? शादी के बाद अब तुम्हारा घर ही मेरा घर है, और अपने घर से निकलकर लोग कहां जाते मुझे सचमुच नहीं पता करण।
इतना कहने के बाद भी नहीं आए कमरे में। सुनो, पहले साहब के लिए नाश्ता तैयार कर दो, आज उन्हें जल्दी निकलना है। साथ में फ्रूट भी काट देना। हाँ, कुणाल का नाश्ता भी लगवा दो। काम पर तो करण को भी जाना होगा, पर आया नहीं अभी तक कमरे में। कोई नहीं, मैं तैयारी कर देती हूँ। अलमारी तो लॉक है। की बात के लिए नाराज हो, पर मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि आप आराम से सो पाओ। वहाँ जमीन पर सोकर नींद थोड़ी आती है, और आज फिर ऑफिस में तुम्हारा काम भी सफर करता ना। कोई ना कोई मौका ढूंढी लेती हो ना मेरा मजाक उड़ाने का। मिलते क्या ये सब करके? करण, मैं तो क्या जताना चाहती हो तो कि मैं किसी काम का नहीं। सब जानते हैं कि मिस नैना टॉपर है और मैं नालायक, तो उसको बार बार जताने की जरूरत क्या है तुम्हें? करण, आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, और तुम कह रही हो कि मेरा काम सफर ना हो। I'm really sorry, करण, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि तुम भी। It's okay. शायद नंद किशोर चौहान के परफेक्ट बेटे अपने परफेक्ट जीजू को ना से तो मुझे कंफ्यूज कर गई होगी, क्योंकि वो इस घर का लायक बेटा है और मैं नालायक। लेकिन तुम्हारी और लोगों की बातों का, उनका मेरा मजाक उड़ाने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें जानबूझ के मजाक नहीं उड़ाया करो, और अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो इतने नाराज क्यों? ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि मेरा एक फर्ज है। मैं तुम्हें स्टोर रूम में से निकाल कर कमरे में वापस लाऊंगी, और मेरा वादा है। आज गुड़िया की नौकरी का पहला दिन, यहाँ पहुँचने के लिए उसने बहुत मेहनत की। चाहती हूँ कि आप उसे आशीर्वाद दीजिए कि बस आगे भी वो ऐसी ही मेहनत करती रहे और कामयाब हो। विशाल, उस तरफ सबको दे दिया ना? हाँ बुआ, उधर सबको प्रसाद बांट दिया। ये लीजिए। अच्छा बुआ, आपकी गुड़िया से बात हुई क्या? लो, बाकी के सारे काम हो गए, वही भूल गए, अभी करती हूँ। मामा बस दो मिनट रुको, दो मिनट में आप अपनी गुड़िया से बात करो। चीकू, कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूंगी। रुको ना मामा, वैसे भी दी को ऑफिस जाने से पहले एक बार तो आपसे बात करनी है ना? दी, मैं बाथरूम में हूँ, कुछ अर्जेंट है क्या? नहीं है तो फिर तू अभी जा, मैं चेंज करके आती हूँ, ठीक है? दी, मम्मा का फोन है, उन्होंने शायद आपको भी ट्राई किया था पर आपने उठाया नहीं। चीकू, कोई बात नहीं, वो तैयार हो रही होगी ना, उसे कहते ना मुझे बाद में कर ले फोन। हेलो, आप मुझे फोन कर रहे थे? सॉरी, मैं। कोई बात नहीं गुड़िया, मैं तो तुझे बधाई देने के लिए फोन कर रही थी। आज तेरा पहला दिन है ना नौकरी का, बहुत बड़ा दिन है तेरे लिए, और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ गुड़िया। आज मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी होगी। ये नौकरी, ये बधाई, ये सब तो मेरा है ही नहीं, ये सब तो आपका है मामा, क्योंकि इसके लिए मेहनत भी सबसे ज्यादा आप ही ने की है ना। हम तो शायद कभी ये सपना देखने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आप ही ने हिम्मत दी कि जो चाहे वो कर सकते। नहीं बेटा, माँ तो बच्चे को सिर्फ उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, चलना तो हमेशा खुद बच्चों को ही होता है ना। चीकू, क्या हुआ? मामा, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल पागल है लड़की। आप इससे बात करो, मैं अभी आती हूँ। तुम ठीक हो? इतनी सारी बोतलें लाने के लिए किसने कहा था? इतने सारे शैम्पू से कौन बाल धोता है? तुम्हें ऐसी आ रही है, और तुम बहुत अजीब हो यार टॉपर।
तुमने ही कहा था ना जाओ शैम्पू लेकर आओ। अच्छा हाँ, लेकिन मैंने एक बोतल लाने को कहा था, ये थोड़ी कहा था कि पूरी की पूरी दुकान उठा लाओ। और तुम गिरे कैसे? अभी भी तुम्हें हंसी आ रही, बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? और एक मिनट मैडम, अंदर से कौन चिल्ला रहा था शैम्पू लेकर आओ शैम्पू लेकर आओ, खत्म हो गया। बाहर मुझे कोई सपना आता कि कौन सा लाना है। देखो आई नो तुम्हारे बाल लंबे हैं, सुंदर हैं, घने हैं, पर ये नहीं पता ना कि ऑयली हैं, ड्राई हैं, तुम्हारा फेवरेट शैम्पू कौन सा, ये सब मुझे नहीं पता। देखो डॉक्टर, मैं अगर कोई गलत शैम्पू ले आता ना तो फिर तुम्हारे बाल तुम्हारा मूड खराब कर देते, और आज मेरी टॉपर के लिए बहुत स्पेशल दिन है, इसलिए आज के दिन नो गड़बड़। कुणाल मेघना, थैंक यू। यू वेलकम। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम गिरी कैसे। मैं कैसे गिरा? बाल तुम्हारे गीले। से बात कर। सॉरी मामा, वो कोई बात नहीं गुड़िया, चीकू ने अभी मुझे बताया। मैं जानती हूँ तुझे देर हो रही है, लेकिन मेरी एक बात ना ध्यान से सुन ले। देख तू इस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन ये मत भूलना कि जो ऑफिस में काम करते हैं ठीक उन्हीं की तरह तू भी किसी के लिए काम करती है, इसलिए उनके सामने बार बार अपने ओहदे को बीच में कभी मत लाना, क्योंकि वो लोग वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते तेरी हर बात मानेंगे जरूर, लेकिन तुझे कभी इज्जत नहीं देंगे। समझ रही है ना तो मैं क्या कह रही हूँ? और एक बात, अपने सारे काम पूरी जिम्मेदारी से निभाना। जब तू ऑफिस से घर लौटेगी ना तो तू घर पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि उस घर की बहू है। ये याद रखना, घर की जिम्मेदारी और ऑफिस की जिम्मेदारी दो अलग चीजें हैं, इसे बैलेंस करना सीख ले। जी मामा। और मामा आप चिंता मत करो, चाहे कंपनी में मैं किसी भी पोस्ट पर रहूं, लेकिन दिल से मैं हमेशा वही बूंदी की लड़की रहूंगी जिसे आप स्कूल जाते वक्त कभी कभी 5 रुपए दे दिया करते थे आइसक्रीम खाने के लिए। अच्छा चल, तुझे देर हो रही हो, जल्दी से अच्छे से तैयार होके चली जा। ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशंस दी, आपकी फर्स्ट जॉब और वो भी सीधा वाइस प्रेसिडेंट, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं दी। अच्छा और अपने लिए? अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ, मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाओ। मेरी खुशी चाहती हो ना तो ये करो। छोड़ो ना दीप, मेरी चिंता मत करो। मामा ने क्या कहा है, पहले दिन बिल्कुल लेट नहीं हो सकता। चीकू तो चाहे तो मैं करण से बात कर सकती हूँ, नहीं तो मैं कुणाल से कहती हूँ कि वो करण से बात करे। ऐसा हमेशा तो नहीं चल सकता ना। नहीं दीप, प्लीज आप किसी से कुछ मत कहना। दीप मैं और करण, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, हम दोनों धीरे धीरे कोशिश करें एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने की। और प्लीज दीप मुझे कोशिश तो करने दो, और अगर नहीं हो पाया तो मुझे पता है आप और जीजू मेरे पास हो। ठीक है, मैं ठीक हूँ। तुझे कभी कुछ भी चाहिए या कभी अगर सिर्फ तुझे बात भी करनी हो तो आएगी ना मेरे पास? कल जो किया तुम दोनों के साथ वो शुरुआत थी तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। मुझे पता है आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, आज भी तो मजा आना चाहिए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.